तो मुर्दाबाद 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 कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद 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 कॉलेज दार रुपी ना बंद करो बंद करो बंद करो कॉलेज में भ्रष्टाचार बंद करो बंद करो बंद करो डीएन यादव मुर्दाबाद 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 डीएन यादव मुर्दाबाद मुर्दाबाद प्रति श्रीमान उच्च शिक्षा मंत्री महोदय उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल विशेष शासकीय महाविद्यालय में व्याप्त अनियमितता एवं कॉलेज में प्राचार्य द्वारा विद्यार्थियों एवं उनके पालकों से अभद्र व्यवहार तथा नशे में लिप्त अध्यापक को हटाने एवं उसके संरक्षक में प्राचार्य निलंबित के संदर्भ में आज विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम महोदय को शिक्षा मंत्री महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य विषय यह है कि जो डीएन यादव प्राचार्य है गवर्नमेंट कॉलेज खातेगांव के, उनके द्वारा विद्यार्थियों के साथ और उनके पालकों के साथ अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है और उनके साथ साथ उनके संलग्न शिक्षक जो हैं वो कॉलेज में दारू पी के आ रहे हैं, दारू पी के पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसको लेके विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन दिया है। इसके साथ साथ कॉलेज के अंदर 50 रुपये की वसूली की जा रही है, जो कि टीसी को लेकर की जा रही है, जो कि अवैध है, यह पूरा पूरी तरीके से एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। अच्छा, कल कुछ ये शराब को लेकर कॉलेज में विवाद भी हुआ था, क्या रहा मामला? जी, एक शिक्षक हैं, जब आंदोलन विद्यार्थी परिषद कर रही थी तो बच्चों को, जो विद्यार्थी है उनको डराने का कार्य कर रहे थे, वो कैमरा लेके डरा रहे थे और उनके पास जब हम गए तो उनके पास शराब की बदबू आ रही थी, जिसको हमने पकड़ा और तुरंत पुलिस के जवान थे उनको सुपर्द किया और उनके पास बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, जिसको लेके उन्होंने भी देखा कि हाँ, यह शराब में लिप्त है। तो पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई किया गया? पुलिस ने उनको थाने में लेके गए, इसके बाद में उनका मेडिकल करवाया है, जिसकी जांच अभी नहीं आई है, जो कि 2 दिन बाद आएगी। और कहीं ना कहीं हमें ये डर है कि उस जांच में कहीं हेरा फेरा ना कर दे, ताकि उनको बचाने की कोशिश प्रशासन ना करे और कॉलेज प्रशासन कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश आपकी कर रहा है। जो मांगे हैं, अगर वो नहीं समय सीमा में तय समय सीमा में मांगी गई तो आगे आपकी क्या रूपरेखा होगी? अगर मांगे 3 दिन के अंदर नहीं मांगी गई, प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से अगर पद से नहीं हटाया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, उसकी पूरी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी।